हाय एवरीवन, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स, और हम कर रहे हैं चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, और वीडियो का ये आपका पार्ट 12 है। ठीक है, पार्ट 12 है। बाकी पार्ट आपको 11 से लेके 1 तक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। और वीडियो में कहीं भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। तो आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ASTech और प्रेस द बेल आइकन, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आप जहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ है, जहाँ से फंक्शन की डिफिनेशन बताई गई है, उस वीडियो को देखिए, तब ये वीडियो आपको समझ में आने वाला है, जो भी ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिफिनेशन है। तो क्या डिफिनेशन है, लेट एफ सच दैट ए टू बी, डोमेन इसका ए है, कोडोमेन बी है। अनदर फंक्शन जी सच दैट बी टू सी, बी इसका डोमेन है, इस फंक्शन का सी कोडोमेन, बी टू फंक्शन, देन वी कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाई जी ऑफ एफ। ठीक है, तो इसको कंपोजिशन फंक्शन जो डिफाइन किया गया है एफ एंड जी का, तो उसको डिनोट कैसे करेंगे, जी ऑफ एफ। इट इज डिफाइंड एज द फंक्शन जी ऑफ एफ सच सच डैट ए टू सी, मतलब इसका डोमेन और दूसरे फंक्शन का कोडोमेन ले लिया हमने, तो ए टू सी डिफाइन कर दिया, ए टू सी डिफाइन कर दिया, इज गिवन बाई जी ऑफ एफ एक्स। की डिफिनेशन क्या होती है, जी ऑफ एफ एक्स, मतलब जो भी एक्स के जगह पर ये जी में जी जो जी ऑफ एफ एक्स डिफाइंड है, तो जो जी के में एक्स के जगह पे जो भी होगा उसको हम एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, इसका नोटेशन का मतलब होता है फॉर एवरी, एवरी बिलोंग्स टू ए, मतलब जो भी एक्स ये होगा या ये होगा, ये आपका इस डोमेन से ए से लेंगे हम। ये देखिए कुछ इसमें इमेज बनाने का प्रयास बताने का समझाने का प्रयास किया गया है। ए हमारा डोमेन है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट है, तो यहाँ से ये मैपिंग हुआ, यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स बना, इमेज बी बन गया। अब इससे जी डिफाइन किया गया है सी, जी ऑफ एफ एक्स, जो सी पर कोडोमेन हमारा है, तो यही हमारा जी ऑफ एफ एक्स है। ठीक, एक्स से इमेज बना है बी पे जो एफ एक्स है, और ये जी बन गया है सी पे जो जी ऑफ एफ एक्स है, और वही हमारा जी ऑफ एफ एक्स होता है, और यही हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है। ये जो होता है हमारा जी ऑफ एफ एक्स, जी एफ एक्स हो जाता है, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। इस पर पेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा आपका कंपोजिशन फंक्शन। चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यफ सच डेट, डोमेन में क्या है, 2, 3, 4, 5, इस पर सेट में कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट डोमेन में, इस कोड वन में 3, 4, 5, 9, यानी इसमें भी 4 एलिमेंट है। एंड अनदर फंक्शन जी डिफाइंड है 3, 4, 5, 9, और इसका कोडोमेन क्या है, 7, 11, 15 है। बी फंक्शन डिफाइंड, जो इमेज बन रहा है, एफ टू का इमेज 3 बन रहा है, एफ थ्री का इमेज 4 बन रहा है, और एफ फोर का इमेज 5, और फाइव का भी इमेज क्या बन रहा है, 5। क्वेश्चन में दिया हुआ है, घबराओ मत देख के। उसके बाद जी थ्री का मतलब इमेज और जी फोर का इमेज क्या है, 7 है। आगे देखिए जी फाइव का इमेज और जी नाइन का 11 कितना इमेज बन रहा है, 11 बन रहा है। तो फाइंड जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ पूछ रहा है, मतलब कंपोजिशन फंक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। तो जी पहले डिफिनेशन जानिए, जी ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो जी एफ एक्स हो जाती है। फॉर एक्स बिलोंग्स टू, बताया ना मैंने, डोमेन, डोमेन हमारा क्या था, 2, 3, 4, 5 था। ठीक है, अब देखिए, तो हमें इस पे सारे जितने भी एक्स होंगे सबकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, यानी पहले 2 रखेंगे 3 रखेंगे 4 रखेंगे 5 रखेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हमने प्लेट 2 यहाँ से लिया, तो 2 रखा यहाँ पे, तो जी ऑफ एफ टू, जी ऑफ एफ टू क्या हो जाएगा, जी एफ टू हो जाएगा। मतलब ये जो ऑफ जो कंपोजिशन फंक्शन डिफिनेशन तो यही होती है ना, तो ये जो वैल्यू एक्स पूरे एक्स में हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए एफ टू यानी एफ टू के इमेज क्या है, बनी थी क्वेश्चन में गिवन है 3 आ हुआ है,
और जी आप थ्री की इमेज कितनी है, 7 है। क्वेश्चन में सब गिवन है, ये सेम आप थ्री रखेंगे यहाँ पर, तो जी आप जब एफ थ्री रखोगे तो जी एफ थ्री हो जाएगा। एफ थ्री का इमेज क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, तो जी फोर का क्वेश्चन में गिवन क्या है, 7 है। ऐसे ही आप जी फोर निकाल लें, तो जी फोर की जी एफ फोर एफ एफ फोर की वैल्यू जी एफ फोर, इसकी भी इमेज क्या है, 5 है। और पूरा टोटल जी एफ फाइव की इमेज यहीं पर देख लीजिए आप, क्या गिवन है, 11 गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पर 11 रख दिया। ओके, अब यहाँ से देखो जी आप एफ की जो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इसी डिफिनेशन को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और यक्स के जगह पे 2, 3, 4, 5 डोमेन से रख रहे हैं। तो यहाँ से जब जी आप एफ एफ की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और जी 5 की वैल्यू कितनी है, 11 है। तो ये सारे आपका जी आप एफ एफ निकल गया, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड जी आप एफ एंड एफ आप जी इफ फंक्शन एफ आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर एंड जी सच डेट आर टू आर, यानी रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है, आर गिवन बाई जी एफ एक्स क्या डिफाइंड है, कॉस एक्स, जी एक्स क्या डिफाइंड है, 3x2, सो डेट जी आप एफ एंड एफ आप जी इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों फंक्शन डिफाइंड है। तो सबसे पहले चलिए डिफिनेशन पे चलते हैं, जी आप एफ एक्स की डिफिनेशन क्या होती है, हमारी कंपोजिशन डिफिनेशन क्या होती है, जी एफ एक्स हो जाती है। अब देखिए एफ एक्स में क्वेश्चन में हमारी क्या गिवन है, कॉस एक्स, तो यहाँ पे आप कॉस एक्स रख दो। अब देखो यहाँ पे जी एक्स की डिफिनेशन क्या है, 3x2, क्या डिफिनेशन है, 3x2, बट यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या है, कॉस एक्स है, तो जहाँ एक्स है वहाँ पर आप कॉस एक्स रख दो। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, 3 रख ली दिया, एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स के जगह पे कॉस रखना है, यानी कॉस एक्स का स्क्वायर, यानी 3 cos² x आंसर हो जाएगा। एफ आप जी एक्स निकालो, कंपोजिशन फंक्शन डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो पहले एफ उसके बाद जी एक्स हो जाएगा। अब जी एक्स की डिफिनेशन क्वेश्चन में गिवन है 3x² गिवन है, वही यहाँ पर रखिए आप, वहाँ रख दोगे तो 3x² हो जाएगा। अब एफ एक्स की डिफिनेशन क्या है, कॉस एक्स, यहाँ पर एक्स था तो हमने कॉस एक्स लिखा था, यहाँ पर एक्स के जगह पे क्या है, 3x² है, तो जहाँ एक्स है वहाँ पर कॉस 3x² हो जाएगा। ओके, तो आप ध्यान से देख सकते हैं एफ आफ जी, एफ आफ जी और जी आई एफ दोनों अलग अलग आ रहे हैं, ये देखिए कुछ और है, ये कुछ और है, यानी एफ आप जी इक्वल नहीं है, जी आप एफ के इक्वल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका कंपोजिशन फंक्शन और उस पर बेस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट, इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होते हैं, आइए देखते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होते हैं, डिफिनेशन देखिए, एफ पहले आप इसमें अगर फंक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो पिछला वीडियो देखिए, शुरू से देखिए आप फंक्शन जहाँ से स्टार्ट हुआ है, आप पहले से वीडियो देखोगे तो सारा चीज़ समझ में आएंगे। डायरेक्ट आप ये वीडियो देखोगे इन्वर्टेबल फंक्शन का तो आपको ये हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन आप जब शुरू से स्टार्टिंग से देखोगे तो बिल्कुल ईजी में समझ में आ जाएगा। अब फंक्शन एफ सच डेट एक्स टू वाई, फंक्शन कोई डिफाइंड है, एक्स डोमेन है, वाई हमारा कोडोमेन है, इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टेबल। कब कहेंगे इस फंक्शन को इन्वर्टेबल, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, कोई एक फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए जी सच डेट वाई टू एक्स, जिसका डोमेन क्या हो, वाई हो, और एक्स क्या हो, को डोमेन हो, सच डेट जी आप एफ निकालते हैं तो आइडेंटिटी आ जाता है फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है, ठीक है, एक्स में आइडेंटिटी आ जाता है, एंड एफ आप जी जब निकालते तो वाई में आइडेंटिटी आ जाता है। ठीक है, देन फंक्शन जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ एंड इट इज डिनोटेड बाई एफ इनवर्स। सिंपल डिफिनेशन क्या है कि कोई भी फंक्शन आपको डिफाइंड है, एफ डिफाइंड है, कोई एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए जिसका डोमेन, इसका को डोमेन, इसका डोमेन हो और इसका डोमेन को डोमेन हो, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट कर जाए सच डेट उसका हम अगर जी एफ एफ निकालते हो तो एक्स में आइडेंटिटी आए हो और एफ आप जी निकालते हैं तो वाई में आइडेंटिटी आता हो,
द फंक्शन जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ एंड इट इज ड्यूटेड बाई एफ इनवर्स। दस इफ एफ इज इन्वर्टेबल, कब कहेंगे एफ को इन्वर्टेबल, देन एफ मस्ट बी वन वन एंड टू एंड कन्वर्सली। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल आपको बोलना है, कब कहेंगे उसको इन्वर्टेबल, तो अगर वो वन वन एंड टू हो, तो वन वन एंड टू में बहुत क्वेश्चन करवाया गया, इस पर कंसेप्ट भी बताया गया और पूरा एक्सरसाइज 1.2 करवा दिया गया। देखिए जाके इसमें एकदम समझ में आएगा, मस्त समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है कि इन्वर्टेबल कब होगा, उसको वन वन एंड टू होना पड़ेगा। कन्वर्सली इफ अगर वन वन एंड टू है तो मस्ट बी इन्वर्टेबल, अगर वन वन एंड टू है तो इन्वर्टेबल होगा, अगर इन्वर्टेबल होगा तो वन वन एंड टू होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका इन्वर्टेबल फंक्शन, सिंपल डिफिनेशन। कोई फंक्शन एफ डिफाइंड है एफ एक्स टू वाई, उस और दूसरा फंक्शन कोई एक एग्जिस्ट कर जाए जी, जिसका वाई टू एक्स हो, डोमेन मतलब क्या हो उसका, वाई हो जाए और एक्स उसका को डोमेन हो जाए। और हमने जी आप एफ निकालना है तो आइडेंटिटी में एक्स आता है, जी आप वाई निकालते हैं तो वाई में आइडेंटिटी आता है, तो जी को बोलेंगे इनवर्स ऑफ एफ। नोट कैसे करते हैं, ऐसे नोट करते हैं। चलिए इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट एफ सच डेट एन टू वाई, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है उसका, डोमेन है वाई, कोई कोई है वाई इसका को डोमेन है। बी फंक्शन डिफाइंड एज, डिफाइन कर दिया है एफ एक्स, क्या डिफाइन कर दिया है, 4x+3, वेयर वाई इज इक्वल टू क्या गिवेन है, जो ये वाई है, वाई इसका कोडोमेन, वाई बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वाई इज इक्वल टू 4x+3 फॉर सम एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सो डेट एफ इज इन्वर्टेबल, फाइंड द इनवर्स। कह रहा है कि दिखाइए कि वो इन्वर्टेबल होगा और इसका इन्वर्स ज्ञात कीजिए। सबसे पहले डिफिनेशन पे जाते हैं, यहाँ पर देखिए डिफिनेशन एक बार। चलिए कौन से क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं इसका। कंसिडर द आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ वाई ऑफ वाई बाई द डिफिनेशन ऑफ वाई, वाई का डिफिनेशन क्या है, यहाँ पर वाई इज इक्वल टू 4x+3 लिख दिया यहाँ पर, फॉर सम एक्स बिलोंग टू डोमेन, ठीक है, फॉर एक्स बिलोंग सम बिलोंग टू डोमेन, डिफिनेशन हो गया। आगे देखते हैं, तो जो हमारा क्वेश्चन गिवेन तो उसमें गिवेन था वाई इज इक्वल टू 4x+3, उससे आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। पीछे जो आपने वाई इज इक्वल टू 4x+3 लिखा था तो उससे आप वाई की वैल्यू निकाल लें, तो वाई एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, वाई माइनस 3/4। डिफाइन फंक्शन, सिंपल डिफिनेशन क्या होता है कि जो भी फंक्शन डिफाइन हो उसका आप जो भी उसका को डोमेन है उसको डोमेन कर दीजिए। तो हमने नया फंक्शन डिफाइन किया जी वाई टू सेट अप नेचुरल नंबर, अब आप जी आप वाई निकालिए, डिफिनेशन देख लीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी वाई का वाई माइनस 3/4, ठीक है। नाउ जी आप एफ एक्स जब आप निकालोगे तो यहाँ से देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, 4x+3 क्वेश्चन में गिवन है, और जी वाई का डिफिनेशन आपने बनाया यहाँ पर वाई माइनस 3/4, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे रखिए और सब सॉल्व करोगे तो एक्स आ गया, इसका मतलब जी आप एफ एक्स निकाल लिए तो आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब क्या है, जो भी इसके अंदर फंक्शन है वही फंक्शन यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से आगे देखिए, जी आप एफ एक्स एफ जी वाई निकाल एफ आप जी वाई निकालेंगे तो यहाँ से जी वाई का फंक्शन क्या डिफाइंड है, ये डिफाइंड है, उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू डिफाइंड थी 4x+3, तो एक्स के जगह पे यहाँ पे वाई की जगह पे क्या है, वाई माइनस 3/4, तो जहाँ एक्स है वहाँ पर रख दो, सॉल्व करोगे तो देखो ये कैंसिल, ये वाई मिल जाएगा। तो दिस शोज दैट जी आप एफ एक्स में आइडेंटिटी आ गई और एफ आप जी वाई में आइडेंटिटी आ गई। ये आइडेंटिटी क्यों लिखा गया है, आइडेंटिटी फंक्शन डिफिनेशन होता है जिस फंक्शन मैपिंग कर रहा है वो वही फंक्शन इसका आज इमेज बन जाए। तो हमने जी आप एफ आप जी वाई जब निकाला तो वाई ही मिला, इसका मतलब क्या है, वाई में आइडेंटिटी है। यहाँ पर देखिए जी आप एफ एक्स जब आपने निकाला तो एक्स आ गया, यानी एक्स में एक्स ही पे इसका इमेज बन रहा है, सेल्फ इमेज बन गया, एक्स पे मैपिंग हो रहा है, एक्स में ही इमेज आ गया, इसका मतलब क्या है, ये एक्स में आइडेंटिटी है। तो दिस शोज दैट जी आप एफ इक्वल टू एक्स में आइडेंटिटी एंड एफ आप जी वाई में आइडेंटिटी, विच इज इम्प्लाइड दैट एफ इज इन्वर्टेबल एंड जी इज इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। आइए हम एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सेट एस इजकल टू 1, 2, 3, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ एस टू एस
डोमेन भी यस, कोडोमेन भी यस। डिफाइन एज बिलो हैव इनवर्स फाइंड एफ इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट। तो आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, एफ इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, एफ इनवर्स। क्वेश्चन तीन क्वेश्चन गिवेन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एफ इसका टू वन कामा वन, टू कामा टू, थ्री कामा टू, मतलब इसका डोमेन ही पहला एलिमेंट होता है डोमेन होता है, दूसरा कोडोमेन होता है। यहाँ पे देखिए ये डोमेन कोडोमेन, ठीक है, इमेज होता है इसका, ठीक है, पहले का इमेज दूसरा होता है, दूसरे का इमेज ये है, तीसरे का इमेज ये है। तो इसलिए इसका सोल्यूशन करते हैं, इट इजी टू सी डैट एफ इज वन वन एंड टू, सो डैट एफ इज इन्वर्टेबल विथ द एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। सिंपल है कि देखिए हर जितने इसका जितने भी एलिमेंट इसके हैं सबका अलग अलग इमेज बन रहा है। वन वन की डिफिनीशन क्या होती है कि जो दो सेट हमारे पास हैं ए और बी हैं, ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका सबका इमेज क्या हो, अलग अलग बन रहा हो, तब हम कहेंगे कि वो वन वन फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पर पहले सेट में, इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, वन टू थ्री है, इसमें भी वन टू थ्री है, तो लिख दिया वन टू थ्री वन टू थ्री। अब इसमें देखिए डिफिनीशन, देखिए वन का इमेज क्या बन रहा है, वन बन रहा है, टू का इमेज टू बन रहा है, थ्री का इमेज थ्री बन रहा है, मतलब सेट डोमेन के जितने भी एलिमेंट थे सबका अलग अलग इमेज बन रहा है, यूनिक इमेज बन रहा है, डिफरेंट डिफरेंट इमेज बन रहा है। वन का टू नहीं बन रहा है, वन का वन बन रहा है, वन टू का टू बन रहा है, थ्री, जितने भी सेट में एलिमेंट हैं डोमेन में सबका अलग अलग भिन्न भिन्न इमेज बन रहा है। इसका मतलब क्या है, वो वन वन है। अगर वो वन वन आन टू हो जाता है, आन टू की डिफिनीशन भी क्या है, देखिए इधर एटलीस्ट भी इमेज बनना चाहिए, तो सबका इमेज बन रहा है यहाँ पर है, तो इसका मतलब एफ इनवर्स इक्वल टू एफ हो जाता है। जब कोई फंक्शन वन वन आन टू हो जाए तो वो इन्वर्टेबल हो जाएगा, और जब भी इन्वर्टेबल होगा तो एफ इनवर्स इक्वल टू एफ हो जाएगा। तो जो फंक्शन एफ है वो इसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, यानी एफ इनवर्स इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए वन का इमेज टू बन रहा है, टू का वन, थ्री का वन, तो पहले सेट बनाइए वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू, बस दो ही सेट के अंदर लिया गया है डिफिनेशन में। तो वन का इमेज क्या बन रहा है, टू बन रहा है, टू का इमेज वन बन रहा है, वन थ्री का इमेज वन बन रहा है। देखिए अब देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट का टू बना और दो का आपका वन बन गया, टू का भी वन बन गया, थ्री का बन गया, तो ये वन वन आन टू होगा ही नहीं, वन वन ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम कह देंगे ये वन वन फंक्शन तो बन नहीं रहा पक्का, क्योंकि वन वन का डिफिनेशन ये जितने भी यहाँ पर एलिमेंट है सबका अलग अलग इमेज बनना चाहिए। देखिए टू का भी वन बन गया, थ्री का भी वन बन गया, इसका मतलब क्या है, वन वन नहीं है। तो वन वन ही नहीं है तो वो फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा, इसका मतलब एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ इज नॉट इन्वर्टेबल। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए फंक्शन डिफाइंड है वन का थ्री में, थ्री का टू, टू का वन, तो यहाँ पर देखिए सबका अलग अलग इमेज बन रहा है, वन का थ्री, टू का वन, थ्री का टू। इट इज इजी टू सी डैट एफ इज वन वन एंड आन टू एफ इज इन्वर्टेबल। वन वन एंड टू जो बनना है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल हो जाएगा, और जब ही इन्वर्टेबल होगा तो यहाँ से हम कह देंगे, देखिए यहाँ पर इन्वर्टेबल मतलब क्या होगा, वन का थ्री बन रहा है तो थ्री का वन हो जाएगा, यहाँ पर टू का थ्री हो जाएगा, और यहाँ पर वन का टू हो जाएगा, इन्वर्स में रिवर्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो डोमेन होता है वो कोडोमेन हो जाता है, तो यहाँ से आप चेंज हो गए यहाँ से फंक्शन, तो इनका अलग अलग इमेज बन रहा है, तो ये वन वन आन टू तो होंगे ही होंगे, ठीक है, एटलीस्ट प्री इमेज भी बन रहा है इसका, आन टू भी फंक्शन है ये, तो वन वन आन टू एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब इन्वर्टेबल है, तो इन्वर्टेबल है तो यहाँ से फिर इक्वल टू ये डोमेन में जो है वो कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से था आपका, आज हमने पढ़ा कंपोजिशन फंक्शन और इन्वर्टेबल फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, तब तक थैंक यू, बाय बाय।